अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है इस वीक की क्लो। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ा सा ये लास्ट पी जो थी मैंने डिलीट कर दी है। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो अभी इंशाल्लाह आपको जो है इसमें वॉइस आपको सही मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि वीकली कैंडल जो है बुलिश फॉर्म हुई है और वॉल्यूम भी एज कम्पेयर टू लास्ट वीक बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं। लास्ट वीक में जो है 408 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है, जबकि इस वीक में 1.15 बिलियन रुपीस का वॉल्यूम जनरेट हुआ है और प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तकरीबन 9,800 से ऊपर ही है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी हम एक अच्छी हेल्दी साइन है, तो इसमें भी हम मजीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। जिस तरह मेरा टारगेट है 10 ट्रिलियन रुपीज़ या 10,000 बिलियन रुपीज़ का, तो वो भी इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। और मार्केट की सूरत हाल भी अभी इस वक्त जो है ओवरबॉट जोन में है। RSI देखें तो 74 पे है, 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन में जो है वीकली पे, ठीक है ना, वीकली पे जा रहा है। डेली पे भी अगर हम देखें तो ओवरबॉट ऑब्वियसली ये तो 80 तक जा रहा है, 79 हो गया है। अच्छा, प्लस मैं आप जरा लाइन चार्ट के हिसाब से बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये थोड़ा सा मैं इसको ये जूम आउट कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वीकली पे आपको बताया था कि यहाँ डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ये लाइन अपवर्ड, यहाँ पे जब अपवर्ड जा रही है, आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लें तो ये डाउन, ये स्ट्रेट आ रहा था, तो थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली सा डाइवर्जेंस था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मेरा जो मेन इंडिकेटर है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसी वजह से उसको उसने निगेट किया, उस डाइवर्जेंस को मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको थोड़ी सी मिसाल यहाँ पे भी दे दूं कि यहाँ पे देखे ना, यहाँ मार्केट जो है इसने यहाँ पे तकरीबन लो किया था 59,600 का, ये वाला इसने लेवल, ठीक है ना। तो जिस तरह यहाँ इसने जो है डिच किया, आप खुद देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा था, RSI पे वो भी हो रहा था, शो हो रहा था डाइवर्जेंस हल्का सा, और यहाँ पे ये बेरिश इसमें भी आ गया था। तकरीबन मार्केट बेरिश उस पर ही चल रही थी, कि समझे इस तरह समझे कि बेरिश फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा था। अगर इसके नीचे ये कैंडल और नीचे बन जाती और फिर यहाँ के कंसोलिडेट करता, फिर और नीचे आता, तो इसका मतलब इंडेक्स और नीचे आता जाता। तो इसी को देखते हुए काफी एनालिस्ट बोल भी रहे थे कि 55,000 का लेवल हम देख रहे हैं। बट जाहिर सी बात है, वो जब नीचे एक मार्केट क्लोज हो रही थी तो फिर लोग नीचे का लेवल देख रहे होते हैं। मैं भी था डाउट में, लेकिन मैंने, आप वीडियो मेरी उठा के देख लें, मैं यही बोलता था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हेल्दी साइन है। दूसरा, कंफर्मेशन जरूर देख लिया करें, ठीक है ना। अब ये वीक की कैंडल थे तो वीक ऑन वीक बेसिस पे आप देखें, अगले वीक की कैंडल अगर इसके नीचे फॉर्म होती तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती, तो ये शायद जो 55,000 लोग दूसरे एनालिस्ट कह रहे थे, तो हो सकता है शायद मार्केट 55,000 तक आ जाती। और इवन देखें यहाँ पर भी है, प्राइस सेशन के हिसाब से 51,500 भी आ सकती थी, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा था। मैंने कई दफा मेंशन भी करके दिया है, कॉल आउट में मैंने यहाँ लिखा भी था कि देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छी साइन है। और उसी का इम्पैक्ट हमने, पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखा। ऑल दो की न्यूज देखें, जियो पोलिटिकल जो है इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग का भी है, आपस में एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसका भी न्यूज जो है इसने इम्पैक्ट इतना नहीं डाला मार्केट पे। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मैंने कहा था पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट अगेन मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी है, साइन अच्छी मिल रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन, आप पीपीपी देखे होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो वो एक रीजन थी मार्केट की अपसाइड मूवमेंट की। तो अभी इस वक्त देखें जो टेक्निकली अब हम बात करें, पहले मैं आपको डेली में बता दूं तो आपको थोड़ा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। डेली में देखें मार्केट इस वक्त यहाँ पर ये कंसोलिडेट करे। अच्छा, कंसोलिडेट इन द सेंस ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कंसोलिडेट ये हो सकता है कि इसको अगर ये कोई बेरिश कैंडल नीचे आती है इसके नीचे, या जिस तरह मैंने आपको ये अपर लेवल बताया CPR का 69,200 का, ठीक है, ये एक लेवल है। फिर इसके मिडिल बैंड जो है 68,400 का है तकरीबन, 400-300, और फिर इसके बाद जो लोअर बैंड है वो तकरीबन 67,324 का है, ये वाला, तो ये वाला भी रीटेस्ट हो सकता है। और उसके बीच में जो ये मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया है, ये वाला 67,950 रुपये मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाए। तो बहरहाल मेरा जो एक मेन इंडिकेटर ये होता था मार्केट कैपिटलाइजेशन, और दूसरा ये CPR। मैं आपको बताऊँ CPR
के हेल्प से आप दिया करें। देखे ना जब ये मार्केट में बातें हो रही थी और ये जब ये नीचे आया था, ठीक है ना, इंडेक्स नीचे आ रहा था तो ये सब बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा था सीपीआर, उस पर सीपीआर नीचे की तरफ था, अब सीपीआर जाहिर सी बात है मार्केट अपसाइड जा रही है तो सीपीआर के लेवल भी अपसाइड पे जा रहे हैं, तो उस वक्त में भी मैंने कहा था सीपीआर को, सीपीआर के लेवल को देखें, अगर ये जो है ब्रीच करता है तो फिर आप जो है पैनिक पैनिक तो नहीं इन द सेंस, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी जान सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप लेना चाहें तो कुछ स्टॉक बहुत अच्छे हैं डिविडेंड ओरिएंटेड, वो आप ले सकते हैं, जो डिस्काउंटेड हैं, जिनका पी रेशियो कम है उनको आप ले लें। मतलब रैशनली बाय करें, रैशनली का मतलब जैसे आपने जो 10,000 लेने हैं तो 2,000, 2,500 अभी ले लें, फिर नीचे अगले सपोर्ट आती रहती है तो आप सपोर्ट पे बाय करते रहें, तो इस तरह अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें। आपको डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक जो है वो अगर प्राइस कहीं पर भी हो, प्राइस नीचे भी आ जाएगी तो आपको ये डिविडेंड आपको देते रहेंगे। ट्रेडर के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जरा स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें, ठीक है ना, जिस तरह मैंने डेली में आपको बताया था कि डेली में ये लेवल जो है इस वक्त मार्केट जो है अच्छा सपोर्ट जो बना रही है 70,222 से लेके 69,850, ठीक है, 69,700 और इसको भी अगर 200 300, तो मार्केट इस लेवल को अच्छा मेंटेन कर रही है। मैंने पहले से लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें ये मैंने इस कैंडल की जो है ओपनिंग ली है और इस कैंडल की ओपनिंग, ये दोनों ओपनिंग जो है, इन दोनों कैंडल की ओपनिंग, ये एक समझे इनिशियली एरिया ऑफ वैल्यू, यहां मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये हमारा एक एरिया ऑफ वैल्यू आ गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हो गया, वीक वीक पे भी है और डेली पे भी है, दोनों पे ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने आपको बोला ना कंसोलिडेट कर रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको डेली से पता चलेगा कि एरिया ऑफ वैल्यू के नीचे अगर मार्केट आती है और ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि ये एक तरह से समझ ले डिस्ट्रीब्यूशन था, कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे और ये मार्केट अगेन नीचे की तरफ आई। तो मैंने पहले भी अपने ग्रुप में कहा था कि गैप फिल्ड हो सकता है, जिस तरह आप जब ये खबर आई थी ईरान की और उसमें उन्होंने इन्वेट किया था, एयर स्ट्राइक किया था ईरान पे, तो मैंने कहा था देखिए पैनिक नहीं होना क्योंकि ये गैप फिल्ड हो रहा है यहाँ पे ना, हो सकता है ये लेवल है 68,468 का, ठीक है, 68,400, 68,300, 500 ये लेवल जो थे मैंने आप ये उसके सिंक्रोनाइज भी कर एक्चुअली ना, ये पिविटल इसका जो है पॉइंट है, ये मिडिल बैंड है सीपीआर का और इसको सिंक्रोनाइज भी कर रहा है, तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोई प्रेशर आता है, जिस तरह कोई खुदा ना खासा कोई खराब न्यूज आती है तो ये लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। इसके बाद जो है अगर ये इसको ब्रीच करता है तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए, पहले इसको देखना चाहिए कि 59,200-300 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली बिल्कुल ट्रेडिंग करें, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मैं डेली के हिसाब से ही आपको बताता हूँ, लाइन चार्ट से ही समझा देता हूँ इधर, इसके बाद जो ट्रेंड लाइन फिर आपको सपोर्ट मिलेगी सीपीआर के बाद, ठीक है ना, ये जो मिडिल बैंड है इसके बाद बीच में, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त मैंने सारा बना लिया था, मैंने अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो शॉर्ट हो जाए तो ये थोड़ा सा मैं देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 67,950, 800, 700 ये ऊपर नीचे विक बन सकती है, और ये फिर इसके बाद जो है सीपीआर का लोअर बैंड है 67,300-200, अगर ये 200 के नीचे 67,200 के नीचे मार्केट परफॉर्म करती है तो फिर ये जाहिर सी बात है फिर ये डाउनवर्ड उसमें चैनल में आ जाएगा, अभी अपवर्ड चैनल में मार्केट मूव कर रही है। तो अभी हम वापिस वीकली पे आ जाते हैं, ठीक है, वीकली में आरएसआई काफी हाई है। दूसरा मैं आपको ये भी थोड़ा सा ये बता दूं, यहाँ तो देखें क्रॉस ओवर हो गया है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे हो सकता है मार्केट नीचे है लेकिन अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है, ये क्रॉस ओवर हल्का सा हुआ यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था मैं आपको कैंडल से समझा दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ये क्रॉस ओवर एरिया है, इस पे ये क्रॉस ओवर हुआ था, क्रॉस ओवर के बाद देखें ये मैंने कहा मार्केट किस तरह डिश करती है, इस तरह अपसाइड पे आप अपने ख्याल रखना है, देखिए क्रॉस ओवर तो हो रहा है, अब देखें क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हुए, शॉर्ट सेलर भी एक्टिवेट हुए और फिर यहाँ पे जो है बायर्स ने कंट्रोल किया इसको, सारी जो है सेलिंग उनकी अब्सॉर्ब की, फिर ये अपसाइड को मार्केट को अपसाइड ले गए। तो हमेशा वही कंफर्मेशन पिछली वाली बात कि कंफर्म इस तरह यहाँ पर भी हो सकता है कोई बुलिश कैंडल बने अपसाइड पे क्रॉस ओवर के बाद और फिर आगे जाके अगर उस ये हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी के बाद कोई बड़ी कैंडल बन जाए और लोग कहें कि नहीं अब तो यहाँ से मार्केट बुलिश है, अब यहाँ से 80,000 1,00,000 इंडेक्स हो जाएगा
तो आपने एग्रेसिव नहीं होना, हमेशा कहता हूँ एग्रेसिव बाइंग नहीं करें, रेस्ट नहीं थोड़ा थोड़ा बाय करें, अपने पास कैश इन हैंड जरूर रखें। तो हो सकता है ये सिनेरियो उसका इन्वर्स यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ बुलिश कैंडल ले ले, अगेन कोई बेयरिश कैंडल बन जाए, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो जाए, तो ये वापस मार्केट जिस तरह तेजी से गई है उस तरह तेजी से नीचे भी आ सकती है। रिमेम्बर, ठीक है ना, जिस तरह मार्केट ऊपर जाती है उस तरह तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो केयरफुल होके, अभी भी मैं कहूंगा केयरफुल, अपर साइड पे ज्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें। हाँ, जिनके पी रेशियो कम है वो जिस तरह मैंने बताया रैशनली बाय जरूर करें। तो इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।